दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अनेकों ग्रंथ हैं। इनमें से एक है महाभारत, जो कि केवल कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इस महाभारत में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में अभी तक बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और वह इन रहस्यों के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, एक ऐसा ही रहस्य है महाभारत काल की अहम किरदार द्रौपदी का, जो कि 5 पांडवों की पत्नी थी। लेकिन शायद आप लोगों में से अभी बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि 5 पांडवों के साथ उनका विवाह क्यों और कैसे हुआ, और इसी के साथ द्रौपदी अपने 5 पांडवों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाती थी, यानी कि उनके साथ संबंध कैसे बनाती थी। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी स्त्री एक ही पुरुष के साथ स्वागत कर सकती है, तो फिर द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ कैसे मनाई थी स्वागत, और इसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए थे। अगर आप भी यह सब जानना चाहते हैं तो चलिए आज हम बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए जानते हैं द्रौपदी और उनके 5 पतियों का रहस्य कि कैसे बिताती थी वह एक एक करके उनके साथ समय। दोस्तों, द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, जिनका जन्म एक यज्ञ के द्वारा हुआ था। महाभारत कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि द्रौपदी के पिता द्रुपद और कौरवों पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य एक समय पर बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे, और बचपन में उन्होंने द्रोणाचार्य को यह वचन दिया था कि वह जब भी कभी राजा बनेंगे तो वे अपना आधा राज्य द्रोणाचार्य को देंगे। लेकिन राजा बनने के बाद द्रुपद ने द्रोणाचार्य को अपना आधा राज्य देने से मना कर दिया और उन्हें राज्यसभा से अपमानित करके निकाल दिया। इस तरह अपमानित होने के बाद जब गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुँचे तो वहाँ भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों को शिक्षा और धनुर्विद्या देने का कार्य सौंपा। इसके बाद द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगे, और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में कौरवों और पांडवों से 5 राज्य मांगा। गुरु की आज्ञा पाते ही पहले तो कौरवों ने 5 पर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें राजा द्रुपद के हाथों पराजित होना पड़ा। उसके बाद 5 पांडवों ने अपने गुरु का आदेश पूर्ण करने के लिए 5 देश पर आक्रमण किया और राजा द्रुपद को पराजित करके अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले आए। इसके बाद द्रोणाचार्य द्रुपद को आज़ाद करके 5 देश का आधा राज्य उन्हें दे दिया, और आधे राज्य का राजा अपने पुत्र अश्वत्थामा को बना दिया। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से इस तरह अपमानित होने के बाद बदले की आग में झुलस रहे थे, और इसीलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ रखा। इस यज्ञ में उन्हें पुत्र तो प्राप्त हुआ ही, और साथ साथ उन्हें एक पुत्री भी प्राप्त हुई, जिसमें से पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न था और पुत्री का नाम द्रौपदी था। द्रौपदी राजा द्रुपद को हवन कुंड से प्राप्त हुई थी, इसीलिए कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रखा। जब राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर की घोषणा की, तब उस समय माता कुंती और 5 पांडव जंगल में निवास कर रहे थे। जब पांडवों को इस बात की भनक लगी कि राजा द्रुपद की पुत्री का स्वयंवर हो रहा है और उसमें श्री कृष्ण भी सम्मिलित होंगे, तो 5 पांडव श्री कृष्ण के दर्शन के लिए 5 देश की ओर निकल पड़े। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर में एक शर्त रखी थी, जिसके अनुसार आकाश यंत्र में एक मछली को रखा गया था जो कि चारों ओर घूम रही थी, और उस घूमती हुई मछली की आंख को लक्ष्य बनाना था, और जो ऐसा कर सकता था उसके साथ ही द्रौपदी का विवाह होगा। इस स्वयंवर में एक के बाद एक सभी राजाओं ने उस मछली की आंख पर निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया।
इन असफल लोगों में से कौरवों में से दुर्योधन, दुशासन, जरासंध, शिशुपाल आदि शामिल थे। सभी कौरवों के असफल हो जाने के बाद ब्राह्मण के भेष में अर्जुन ने अपने गुरु की शिक्षा का मान रखने के लिए परछाई को देखते हुए मछली की आंख में तीर मार दिया। इसके बाद द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाली और उसे अर्जुन के हवाले सौंप दिया गया। वहीं दूसरी तरफ राजा द्रौपद को यह चिंता सता रही थी कि उनकी पुत्री का विवाह उनके मन मुताबिक नहीं हो पाया, क्योंकि राजा द्रौपद को पता चल ही गया था कि उनकी पुत्री का विवाह पराक्रमी राजकुमार के साथ हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ में यह भी जानते थे कि ब्राह्मण के भेष में आए हुए पांचों पांडव हैं। स्वयंवर के बाद पांचों पांडव द्रौपदी को अपनी माता कुंती के पास ले गए। अर्जुन ने कुटिया में पहुंचते ही अपनी माता कुंती को आवाज लगाई कि देखो माता, आज मैं तुम्हारे लिए भिक्षा में क्या लाया हूँ। उस समय उनकी माता कुटिया में भोजन बना रही थी, इसीलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया कि तुम लोग भिक्षा में जो कुछ भी लाए हो वह आपस में बराबर बराबर बांट लो। सभी पांडव अपनी माता की हर बात मानते थे। माता के इस आदेश को सुनकर वे सभी चुप हो गए। उसके बाद जब कुंती ने कुटिया से बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो वह हैरान रह गई। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि हे पुत्र, तुम कुछ ऐसा करो जिससे मेरे वचन का पालन भी हो जाए और द्रौपदी के मान सम्मान में भी कोई कमी ना आए। जब धर्मराज युधिष्ठिर भी इस समस्या का कोई हल ना निकाल पाए तब आखिरी में फैसला किया गया कि द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ किया जाएगा। लेकिन जब इसके बारे में राजा द्रौपद को पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि एक स्त्री भला पांच पुरुषों की पत्नी कैसे बन सकती है, यह तो सनातन धर्म की मर्यादा के खिलाफ है। फिर महर्षि वेद व्यास ने बताया कि महादेव ने द्रौपदी को पिछले जन्म में यह वरदान दिया था और भगवान महादेव के वरदान से ही यह समस्या उत्पन्न हुई है। महर्षि वेद व्यास के समझाने पर राजा द्रौपद ने अपनी पुत्री का विवाह पांचों पांडवों के साथ कर दिया। सबसे पहले द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपनी सुहागरात मनाई। उसके बाद द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और फिर उनके साथ भी अपनी सुहागरात मनाई। इसी तरह अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी के साथ एक एक करके द्रौपदी की सुहागरात हुई। लेकिन दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि कोई स्त्री एक पुरुष के साथ सुहागरात मनाने के बाद भला दूसरे पुरुष के साथ कैसे मना सकती है। तो बता दें कि इसके पीछे भी भगवान शिव का ही एक वरदान था, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी को पांच पति प्राप्त होने का वरदान दिया था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने यह वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन अपने कन्या भाव को प्राप्त कर लेंगी, इसीलिए पांचों पांडवों को द्रौपदी कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। अब दोस्तों, आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि आखिर पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी कैसे रहती होगी। तो आपको बता दें कि पांचों पांडवों ने मिलकर नियम बनाए थे। एक बार की बात है, जब पांचों पांडव राज्यसभा में बैठे हुए थे तब नारद मुनि आते हैं। तभी वहां द्रौपदी आती है और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली जाती है। नारद मुनि पांचों पांडवों के भविष्य की चिंता करते हुए कहते हैं, द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की पत्नी है, इसीलिए तुम लोगों को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे तुम्हें अपनी पत्नी को लेकर तुम पांचों भाइयों में कभी विवाद ना हो, क्योंकि एक स्त्री की वजह से भाई भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पांचों पांडव हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं, हम पांच भाइयों में बेहद प्रेम है और ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम भाइयों में द्रौपदी को लेकर आज तक कोई भी बात नहीं हुई है। इसके बाद नारद मुनि कहते हैं, तुम पांचों भाइयों के प्रेम पर कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ नारद मुनि पांच भाइयों को सुंद और उपसुंद दो राक्षस भाइयों के बारे में बताते हैं, जो कि केवल एक स्त्री की वजह से एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए थे। सुंद और उपसुंद दो राक्षस भाई थे
जिन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी और उनसे यह वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई भी ना मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद दोनों राक्षसों ने पृथ्वी पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद इस समस्या को सुलझाने के लिए ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा तिलोत्तमा प्रकट की। तिलोत्तमा इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता पर दोनों राक्षस भाई सुंद और उपसुंद मोहित हो गए और उनके लिए आपस में झगड़ने लगे और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि तिलोत्तमा की वजह से दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला। नारद मुनि के इतने समझाने पर युधिष्ठिर ने एक नियम बनाया कि द्रौपदी 5 पांडवों में से 1 साल सिर्फ एक के साथ ही अपना समय व्यतीत करेगी, अर्थात 5 पांडवों में से 1 साल तक एक की ही पत्नी बनकर रहेगी और जब द्रौपदी 1 पांडव के साथ में अपने कमरे में रहेगी तो दूसरा पांडव वहां नहीं जाएगा और अगर कोई पांडव इस नियम को तोड़ेगा तो उसे वन में रहकर कठोर ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। एक बार की बात है, जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ में अपने कमरे में बैठी हुई थी और अर्जुन उस कमरे में अपना धनुष भूल गए थे और जब अर्जुन उस कमरे में अपना धनुष लेने के लिए गए तो अनजाने में उस नियम को तोड़ दिया। उसके बाद उन्हें जंगल में रहकर कठोर ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ा था। तो दोस्तों, अब तो आप यह जान ही गए होंगे कि द्रौपदी ने किस तरह से 5 पांडवों के साथ पत्नी व्रत धर्म को निभाया।